पोकेमॉन होरिजोन्स एपिसोड 14। एपिसोड में दिखाया जाता है डॉट कंप्यूटर पर सिस्टम को रिबूट करने का ट्राई कर रही होती है, बट वो रिबूट नहीं हो रहा होता। इस वजह से डॉट परेशान हो रही होती है। फ्राइड बोलता है, शिप का इंजन ठीक चल रहा है, हम टेक ऑफ क्यों नहीं कर रहे हैं। डॉट चिल्ला कर बोलती है, हमारा सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अगर हमने इस टाइम टेक ऑफ किया तो ये बहुत रिस्की होगा। फिर हमें नोक टाउन दिखाया जाता है जो एक तरफ इशारा कर रहा होता है। वहाँ फ्राइड आ जाता है, वो देखता है कि जिस तरह नोट टाउल इशारा कर रहा है वहाँ मैग्नामाइट का एक झुंड है। फ्राइड चारिजार्ड से उन पर फ्लेम थ्रोअर मूव यूज करने बोलता है। फ्लेम थ्रोअर से मैग्नामाइट वहाँ से भागने लगता है। मैग्नामाइट के वहाँ से जाने से वहाँ पर सिग्नल आ जाते हैं और सिस्टम भी रिबूट होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रॉय दिखाया जाता है जो वॉटरेल को दूर से देख रहा होता है और वॉटरेल दूर से अपने साथियों को देख रहा होता है जो उड़ सकते थे। फिर फुकोको और रॉय के पीछे एक पोकेमॉन पड़ जाता है, वो दोनों सामने के तालाब में गिर जाते हैं। वॉटरेल उन्हें देख रहा होता है। फिर रॉय वॉटरेल को खाने के लिए एक बेरी देता है। फिर रॉय उसे उड़ने का ट्राई करने बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फ्राइड दिखाया जाता है जो मैग्नामाइट का पीछा कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रॉय दिखाया जाता है जिसके पास मर्डोक एंड लिको भी आ चुके होते हैं। रॉय अभी भी वेटर को उड़ने के लिए प्रैक्टिस करवा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें फ्राइड दिखाया जाता है जो मैग्नामाइट का पीछा करते हुए एक गली में पहुंच जाता है। फिर फ्राइड के पीछे एक और पोकेमॉन आता है, वो पोकेमॉन बीएम होता है। बीएम और मैग्नामाइट फ्राइड और उसके चारिजार्ड को घेर लेते हैं। उन पोकेमॉन को कोई दूर से कमांड दे रहा होता है, वो दोनों चारिजार्ड पर भारी पड़ रहे होते हैं। फिर फ्राइड टेरेस्ट्रलाइज फेनोमिना का यूज करता है, चारिजार्ड को टेरेस्ट्रलाइज कर देता है। फिर चारिजार्ड दोनों पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। वो दोनों पोकेमॉन वापस वहाँ टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रॉय दिखाया जाता है जो अभी भी वॉटरल को उड़ना सिखा रहा होता है। वहाँ फ्राइड भी आ जाता है। फिर वो सब वापस शिप पर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, एयरशिप के अंदर सब बैठे होते हैं। डॉट उन्हें बताती है, सब ठीक है, हम अब टेक ऑफ कर सकते हैं। वो लोग नेक्स्ट डे टेक ऑफ करने का डिसाइड करते हैं। रॉय दिखाया जाता है जो शिप के ओल्ड मैन की फिशिंग रिकॉर्ड को देखकर कुछ आइडिया सोचता है। सुबह का सीन दिखाया जाता है, सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं रॉय को छोड़कर। रॉय कार्डबोर्ड का वेट्रल पोकेमॉन बनाता है एंड उसके फिशिंग रॉड से बांध देता है। फिर वो वेट्रल के पास जाता है, वो वेट्रल को फिशिंग रॉड से बांध कर उड़ने का प्रैक्टिस कराता है। लिको को मार्केट से कुछ लेना होता है, वो वहां से चली जाती है। वेट्रल उड़ने लगता है। फिर मर्डोक रॉय के पास आता है, वो वापस शिप पर जाने लगते है। वेट्रल रॉय की तरफ आने लगता है। मर्डोक रॉय को पोकेबॉल देता है एंड वेट्रल को पकड़ने बोलता है। रॉय उसको पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होता है, लिखो दिखाई जाती है, वो वापस शिप की तरफ आ रही होती है। वो गलत गली में चली जाती है। फिर वो एक आदमी से टकरा जाती है, ये वही विलन होता है। वो अपने पोकेमॉन से लिको को कंट्रोल कर लेता है और उसका पेंडेंट लेकर वहां से चला जाता है। लिको होश में आती है, उसको कुछ याद नहीं होता। ये एपिसोड यही एंड होता है।